हेलो गाइस, मैं हूँ आपका एक्सेल ट्यूटर और मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें हम ट्रिम फंक्शन यूज़ करेंगे। और जब हम ट्रिम फंक्शन यूज़ करते हैं तो समटाइम क्या होता है कि ये वर्क नहीं करता। ये देखिए, इसके अंदर जो स्पेस है, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है, वो रिमूव नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? इधर जस्ट बराबर में हम देखेंगे कि ऐसा इसलिए होता है कि जो नॉर्मल स्पेस है हमारा, ठीक है, और जो हमारा सिस्टम के अंदर जो स्पेस होता है वो आपको एक जैसा लगेगा, बट उसका इंटरनली जो कोड दिया हुआ है वो 160 है। यानी एक्सेल कहता है कि इसका जो कोड है इस स्पेस का वो 160 है, और जो हम नॉर्मल स्पेस करते हैं उसका जो कोड है वो 32 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 160 का कोड इसके अंदर है, इसलिए ये जो है यहाँ पर इसने रिमूव नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और उसको कॉपी करेंगे जो स्पेस इसके अंदर है, और हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यानी कंट्रोल एच से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नीचे है यहाँ पर एक नॉर्मल स्पेस बार हम की का यूज़ करेंगे, जिससे कि जो सिस्टम वाला जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा नॉर्मल स्पेस से। उसके बाद आप ये देखेंगे, ये जो नेम है वो एकदम परफेक्टली हमारा जो अनवांटेड स्पेस है वो हटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।